बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असा बाईपास वाला जड़ा होटल है भाई उस्मान साहब जिसने इफ्तिताह करी जो था बिल्कुल असा पूछ चुके हैं। और जनाब सा तकी सकने के बड़े दिलकश नज़ारे ने और हाफज खलील साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा दिलकश मंजर है जी। रेणी बसाद असा पहुंचे हैं माशाल्लाह नेचुरली और एंजॉयबल माशाल्लाह माहौल है जी। हाफज फैज साहब भी साडे नाल मौजूद है। हाफज साहब ठीक हो? क्या अंदाज हो खूबसूरत व्यू है और बाईपास वाला रोड है जी। हाफिज साहब जी माशाल्लाह नाजरीन तकी सकने हो कि दोस्तों अहबाब बैठे हुए और पूरिया तैयारियां बिच के जनाब जल्द अज जल्द कर सन इस साइड भी सन तकी सकने हो बड़े दिलकश नज़ारे जनाब। जी माशाल्लाह इफ्तिताह तैयारियां जोरों शोरों बिच और सन तकी सकने बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत तैयार की गई है और बड़ा ही दिलकश नज़ारा बड़े ज़बरदस्त बूटे वगैरह लाए बड़ा ही प्यारा व्यू बनाया गया है। और इस साइड चार भी मौजूद हैं जिन्हें खुद अपनी निगरानी में तैयार कराया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी चाचा ठीक हो? माशाल्लाह सब तो पहले तो जनाब साहब की मुबारकबाद बड़ी खूबसूरत प्लेस बनाई साहब। ये उस्मान साहब बनाई जी आसान साहब बनाई दे क्रेडिट दियो उन्ना की अल्लाह ताला कामयाब करे माशाल्लाह। नहीं तुसा उस्मान भाई कदे कदे इछने होने सन असा भी इन्होंने नाल नाल ही रहे हैं लेकिन तुसा फुल टाइम देने रहे हो माशाल्लाह पूरी निगरानी माशाल्लाह अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमान जी। बड़ा जबरदस्त माहौल सा देता है माशाल्लाह। हाँ जी उस्मान भाई कदों इफ्तिताह कर रहे हो जी? बस इंशाल्लाह इस हफ्ते प्रोग्राम है। हाँ इस हफ्ते के अंदर अंदर माशाल्लाह तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हैं। नीचे वाली बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है और बाकी जड़ा अपर नया माशाल्लाह अपर भी दूसरा फ्लोर बनी रहे हैं और बाकी अपर भी जुली दस की नज़ारा करानी है माशाल्लाह। जनाब अब्दुल मजीद साहब की नाल लांदा ने वैसे ही आप पक्का पक्का इधर आनी रही होने ठीक ठीक वाह इन्हें तो बगैर मास्टर शेफ ना भी सोचना पैना जी माशाल्लाह अंदर तैयारियां तकरीबन कंप्लीट हैं। कुर्सियां वगैरह भी तैयार हो चुकी हैं टेबल भी सिर्फ इन्होंने जो अपने टॉप हैं और रह गए हैं मार्बल भी उस्मान भाई ने कल इंशाल्लाह पे जैसी और कुर्सियां पर जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्माना और सीटा जी जो उसकी दसने बड़ी ज़बरदस्त सीटा बनवाई गई हैं स्पेशल ऑर्डर पर तैयार कराई गई हैं हूँ उस अगर तको आ ते जनाब ये बड़ा सेटअप कुर्सियां पर बड़ा जजसी ठीक है इसनी फिक्सिंग है थे उसी है जी। और माशाल्लाह किसी कमे बिच कोई भी जरा मासा और नहीं है ना कमी पेशी रहेगी है नहीं हर चीज़ परफेक्ट बड़ी जबरदस्त अंदर किचन वगैरह या वो भी इंशाल्लाह सुखी दसाया इफ्तिताह जल्द अज जल्द उसी है और इफ्तिताह पर बाकी सुखी चीज़ा दसियाँ जा सकती बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट व्यू और इस साइड अगर सो तकी सकोया तो जनाबे वाला बड़ा प्यारा माहौल है इतने ना आफर बड़े टेमे ना मगर लगे से जुलो उतरे पहले तो सर्क आया फिर नमाज तो बाद मूड बनी गया सूरज डूबना पिया और वाह माशाल्लाह बूटियां सही नज़ारा बनाया जी। इस साल टिकट सौ तक होया बने खलने वास्ते भी और बिलखसूस जो चाचे ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इतने दी है पत्थर जड़े से कुदरती इन्हें कि जनाब बिल्कुल जया ही नहीं किया और इन्होंने पत्थरों बड़ी ज़बरदस्त माहौल बनाया जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब चाचा नूर सैन साहब मौजूद हैं और जनाब इन्होंने सारिया मेहनत
कोशिशां और बिलखसूस जिहड़ी चीज़ मिगी ज़्यादा पसंद आई कुदरती नेचुरल जिहड़े पत्थर जाजा सो इत्थे कीते न खूबसूरती है पत्थर दा दरख्त ही है जां जी असां इत्थे संभाली रखिया इन्हां की माशाल्लाह ने बड़ा जबरदस्त जनाब बिल्कुल तुसा इन्हें की जाया नहीं किया और इसकी बड़े खूबसूरत और अक्सन अंदाज भी जिथे इन्हें बनाया नाल गुलाब वगैरह भी बूटियां भी काफ़ी लोकेशन काफ़ी मॉल बनाया है बड़ी जगह छोड़ी सुना है क्या माशाल्लाह जी ये रोड आ था ये बाद ही कोई वक्त गुजरिया तो कोई दुकान शकाना बन सक इतने मजीद और मार्केट बनाने का प्रोग्राम है सुना जी माशाल्लाह अच्छा इस साइड इधर पर भी जमीन है सोनी ना सिर्फ उठा एंड की है जितना पौधे लगे वो थोड़े ही हैं ठीक है तो इस साइड पर पीछे है ना वो जमीन कितनी है तकरीबन तकरीबन 8 एकड़ पीछे हो शो माशाल्लाह जी माशाल्लाह एक ऐसी चीज जनाब बैने खलने वास्ते भी बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया जाता है फिलहाल भाई उस्मान साहब ने जो इफ्तिताह को नहीं किया तो फिलहाल रहमानिया और आलू बुखारे पर गुजारा कर ले क्यों जी हाफिज जी माशाल्लाह मजा नहीं आया माशाल्लाह बिल्कुल जनाब खानिया चाहिए बाकी इंशाल्लाह तकी सकने हो इस परली साइड भी दरबार है और दरबार में कुर्बो जदार बीच डिंग लली दरबार है और बड़ा ही जबरदस्त माहौल और खुशगवार इस टाइम बिलखसूस असर तो बाद इतना बड़ा जबरदस्त गर्मियों में माहौल बनी चुका है और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है अल्फाज इतनी बयान नहीं सकना तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो पत्थर नसब किए गए हैं कुदरती तौर पर जो पत्थर से उन्होंने बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज इन्हें बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया है बाकी हूँ रखमानियाँ शखमानियाँ खत्म होने लिया है जी माशाल्लाह हाफिज साहब अगर सा तकी सको तो छत ने अप्रूव भी अगर जाओ तो बड़ा जबरदस्त नज़ारा है क्या बने हो जबरदस्त माशाल्लाह इस साइड साथी बैठे हुए अगर इन्हें कि जूम किया जाए तो कोल आई जाने ठीक है पार सामने डिंगल अली दरबार है जी नाल मस्जिद भी है और नीचे ना माहौल क्योंकि दूसरी स्टोरी ने कम जनाब जारी हो सारी है बड़ी तेजी नाल क्यों जी हाफिज जी जी बिल्कुल ऐसा कौन शटरिंग हो गई है पिछे और लेंटर पेने नी देर है ठीक है आई जो ये बाईपास रोड आ जी जनाब हाफिज साहब ने बाईपास दसो या बाईपास ना दसया नहीं तो मज़ा नहीं आना जी ये रोड जिदा अंब तो निकलनी है और ये रोड सीधी जनाब लगनी चाहिए रट्टा शरीफ आह हा हा जनाब क्या ही दिलकश नज़ारे इन सूरज गुरूब होने की है माशाल्लाह सो तकिया या कि बड़ा ही खूबसूरत हर तरफ सो अगर नज़ारे करो हाफिज साहब कैसी फीलिंग है सुनिया ये बहुत जबरदस्त की डडियाल ना एक सब तो अच्छा है व्यू पॉइंट है बहुत जबरदस्त माशाल्लाह मिलियाज ना ली बहुत जबरदस्त जगह कारी साहब आने इसलिए बस कर सो क्योंकि टाइम होना मगरब ना बिल्कुल करीब हो गया हूँ इजाजत कि नहीं इजाजत इंशाल्लाह नवे प्रोग्राम नाल दोबारा सोनी खिदमत हाजिर उस तू पहले एक झलक तुसा कि यह बड़ा डेंजरस सफर आ चलो ये सफर डेंजरस जड़े कवर करने ही पैने का कर ये जनाब नीचे सो तो की सकनी हो बड़ा ही खूबसूरत जनाब रास्ता जाई रहा और ये रास्ता सीधा जनाब पहुंची जाना है चाची ने बड़ी मेहनत की जी कारी साहब जल्दी भी लिहाजा हूँ कि नया इजाजत इंशाल्लाह एक नवे प्रोग्राम एक नवी वीडियो दोबारा सोनी खिदमत हाजिर हो सा अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।